हेलो हाय फ्रेंड्स, अभी जो देख रहे हैं ये एक पीएफ या फिर कैपिस्टर, पोलिस्टर कैपिस्टर आप इसे बोलते हैं, पोलिस्टर कैपिस्टर या फिर पीएफ आपने बहुत से सर्किट्स के अंदर यूज होता हुआ देखा होगा। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठा सकते हैं या फिर पावर सप्लाई उठा सकते हैं, उसके अंदर ये लगे होते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। आज देखने वाले कि प्रैक्टिकली किस प्रकार से ये काम करते हैं ये पीएफ, और कैसे हम किसी भी सर्किट में इसे यूज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर होता है कुछ समय के लिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, वो एसी भी हो सकती है या फिर डीसी भी हो सकती है। उस करंट को कुछ समय के लिए वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है और फिर डिस्चार्ज करता है। तो ये फिल्टरिंग के लिए भी काम में आता है। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर में आपको यहाँ पर 240 वोल्ट देने होंगे। तो यहाँ पर एक एसी बोर्ड लेते हैं, इसके अंदर अभी एसी आई हुई है, 240 वोल्ट आई हुई है। तो जो आउटपुट पे हमें मिलेगा वो 12 वोल्ट के आसपास मिलेगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर, ये 12 वोल्ट का है। और एक मल्टीमीटर लेते हैं जिससे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को देख पाएँ। तो यहाँ पर आपको एसी पर प्रोब कनेक्ट करना होगा। अभी 200 एसी पर वोल्टेज पर हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी देखते हैं इसके अंदर कितना करंट आया हुआ है। अभी देख रहे हैं 14.6 या फिर 5 आप बोल सकते हैं, 14 वोल्ट इसके अंदर आया हुआ है। अभी यदि एक वायर में ये एसी आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है ये डीसी नहीं है, क्योंकि डीसी जब होगा जब हम इसमें रेक्टिफायर लगा देंगे, डायोड लगा देंगे। तो अभी एसी के अंदर ही हम कैपेसिटर स्टोर करते हैं, मतलब लगा देते हैं। तो देखिए ये जो कैपेसिटर होते हैं ये एसी पर ही काम करते हैं, डीसी पर नहीं करते। ठीक है, 50 वोल्ट से 1500 तक। अभी देख रहे हैं आप, अभी 10 पॉइंट देख रहे हैं आप, कम हो रहा है, 10 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है। केवल हमने सीरीज में, यहाँ पर हमने सीरीज में लगाया है ये कैपेसिटर, और इसका जो काम है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। एक्चुअल में जितना भी करंट हमें चाहिए अगले सर्किट को, ये इतना ही जाने देता है आगे। तो बेसिकली आप कोई भी पावर सप्लाई बना सकते हैं इसी के माध्यम से। तो अभी देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अभी जो देख रहे हैं आप, ये एक पावर सप्लाई है जो कि 4 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आती है। इसके अंदर ये एसी के अंदर कनेक्ट होते हैं, सिंपली यहाँ पर एसी आई हुई है इस बोर्ड के अंदर। जैसे ही आप इसके अंदर एसी अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो लाइट है वो ग्लो होगा। देख रहे हैं आप, ये ग्लो हो रहा है। ये इसलिए ग्लो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एसी टू डीसी कनेक्शन हुए हैं। ये एसी है, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये आपका पोलिस्टर कैपेसिटर है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और फिर जो रिक्वायरमेंट होती है बैटरी की, जैसे कि बैटरी 4 वोल्ट की आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो 4 वोल्ट ही करंट वो आगे देगा, ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एसी टू डीसी कन्वर्जन में काम में आते हैं। थैंक यू। अभी बात करते हैं ये एसी के अंदर काम कैसे करता है। तो ये पेपर है, आप समझ सकते हैं। देखिए हमारा जो एसी सिग्नल होता है वो इस प्रकार से होता है, वो समय के साथ निरंतर बदलता है, और जो डीसी होता है वो समय के साथ कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, मतलब उसका एक ही टाइम होता है, टाइम के साथ चलता रहता है, एक ही स्टेप होता है, वो डायरेक्ट चलता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट और इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, यदि हमें कोई भी बैटरी चार्ज करनी है तो यहाँ पर हम एक कन्वर्टर यूज करते हैं, जिसे आप एसी टू डीसी कन्वर्टर, जैसे कि आपका मोबाइल फोन का चार्जर, वो एसी लेता है और डीसी में कन्वर्ट करके आपके मोबाइल फोन को चार्ज करता है। बेसिकली वहाँ पर ही ये कैपेसिटर काम में आते हैं, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं फिल्टरिंग के लिए भी काम में आते हैं। सपोज कीजिए कभी कभी क्या होता है, आपने एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाया और वहाँ पर कुछ इम्पल्स ऐसे जा रहे हैं, ये डीसी करंट है, कुछ इम्पल्स ऐसे जा रहे हैं, तो इसे रिमूव करने के लिए यदि आप सीरीज में कैपेसिटर लगा दोगे या फिर पैरेलल में, तो वो बिल्कुल प्योर कर देगा, ये जो इम्पल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।